और नालंदा में जाम से निजात दिलाने के लिए 12 मार्च से यातायात विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन स्वयं ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों से फाइन वसूले। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी दिखे, उनसे बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, उनसे भी फाइन वसूला गया। मौके पर ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ट्रिपल लोडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन को चलाने वाले वाहन चालकों से फाइन वसूले जाएंगे। यही नहीं, उजली लाइन के बाहर गाड़ियों की पार्किंग करने वाले वाहनों को भी फाइन वसूले जाएंगे। से भी हम लोग प्रचारित करने का किए थे कि 12 तारीख से हेलमेट, सीट बेल्ट, नो पार्किंग और ट्रिपल लोडिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कारण यह है कि कोरोना काल के बावजूद 2020 में 2019 में मृतकों की संख्या दुर्घटना में बढ़ी है। इस कारण से ये स्पेशल टास्क दिया गया है कि हेलमेट पहनने वालों का परसेंटेज हम लोग 90% से ऊपर लेके जाए। पटना में लगभग 97% लोग हेलमेट पहनते हैं, जबकि हमारे नालंदा जिला में इसकी संख्या लगभग 60% है। इसलिए हम लोग हेलमेट पहनने वालों का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, सीट बेल्ट लगाने वालों का परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। जन से भी हम लोग प्रचारित करने का